भगवान जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा के संबंध में लुधियाना में अब पूरी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ लुधियाना में महाराजा रिजेंसी में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया। वॉइस ऑफ एशियंस की टीम भी वहां पे थी और आइए आपको दिखाते हैं इस मीटिंग के कुछ दृश्य। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की। वायु से भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। हर कार्य को शुरू करने से पहले हमें परम भगवान श्री जगन्नाथ जी के पवित्र नामों का उच्चारण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो हम सब भक्तों से प्रार्थना करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है भगवान जगन्नाथ जी की सेवा को प्राप्त करना और स्वयं कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर हमें महामंत्र दिए हैं हरे कृष्ण। इस दो तीन शब्दों में हम भगवान से सेवा की प्रार्थना करते हैं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दिसंबर को रथ यात्रा है। इसमें आपने सब परिवारों ने सहयोग से आना है और रथ यात्रा का आपने भव्य बनाना और भगवान जगन्नाथ जी हमारे लुधियाना में पधार रहे हैं और आपको इनके दर्शन करो आपको जीवन स्वर्ग मिलाओ। लुधियाना के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पिछले 22 वर्षों से भगवान जगन्नाथ यात्रा का आयोजन यहाँ पे किया जाता है हर साल की तरह।
आज यहाँ पे एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया है हमारे बड़े भाई सुदर्शन भोला जी की अगुवाई में। तो आज यहाँ पे डिस्कस होगा कि कहाँ पे स्टॉल लगेंगे और कहाँ रूट क्या होगा और उसकी डेकोरेशन क्या होगी और बाद में महाआरती का प्रबंध कैसे होगा। ये बहुत ही उत्सव की बात है कि मैं ये समझता हूँ कि हिंदू धर्म के लिए ये बहुत ही बड़ा उत्सव है और दिवाली और दशहरे से भी बड़ा ज़्यादा जोश लोगों में होता है। लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे आते हैं। ये बहुत ही लुधियाना के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे जगन्नाथ जी यहाँ खुद दर्शन देने आते हैं और हम सब की ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियाँ हो रही हैं और तैयारियों के संबंधी ही आज ही यहाँ पे महाराजा रिजेंसी में मीटिंग रखी है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ जी। मैं दविंदर बसंत, प्रेजिडेंट ऑफ रूहानी वूमेन हेल्पलाइन। अज असी जगन्नाथ जी की यात्रा लिए तैयारियां लिए अज महाराजा एजेंसी में आए हैं और राजन जी ने सानू इनवाइट किया है। थैंक यू राजन जी, इट्स ग्रेट ऑनर फॉर आवर टीम रूहानी सेवा वूमेन हेल्पलाइन। और असी भी कहने के सब हुम आके पहुँचो 23 दिसंबर न जगन्नाथ जी की यात्रा है। सारों अपील करते हैं कि इन होर भी शानदार तरीके मनाया जाए और भगवान जी के दर्शन किए जान आके हर तरह का। असी भी प्रोमिस करते हैं कि असी इस यात्रा में हर तरह का तन मन धन तो असी सहयोग करांगे और इस यात्रा असी होर भी शानदार बनाने की कोशिश करांगे। जय जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ जी की जय। मैं रजनी थापर, रूहानी सेवा दी मैं वाइस प्रेजिडेंट बोल रही हूँ। आज 23 नूं ना मतलब इतने जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है जिस सारे बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लै रहे हैं। सानू भी बड़ा उत्साह वा कि असी विच सारे मैंबरां नूं अपील करते हैं कि सारे इस बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लैन। अज महाराजा जी सानू इनवाइट किया गया, राजन शर्मा जी ने सानू बुलाया, इतने उन्होंने मीटिंग अज हो रही है जिहड़ा सारे मैंबरों नूं कह रहे हैं कि असी भी अगे सारे नूं कहांगे सारी इस रथ यात्रा च बहुत सारे पहुँचो जरूर आके और भगवान का आशीर्वाद लाओ जिहड़ा सारियां नूं नसीब वालियां नूं मिलता है। खुशकिस्मत आ लोग जिहड़े इन्हां दे चरणां च आके ये अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जगन्नाथ जी की। हम लोग आई थिंक बहुत 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 अच्छी तरह हर त्यौहार मनाते हैं और मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ सराबा लेडीज़ क्लब बीना बावा सबको ये तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हम लोग हर साल ही इस यात्रा में शामिल होते हैं और ये 22nd रथ यात्रा है। और मैं चाहूँगी कि जितनी लेडीज़ हैं ऑफ लुधियाना दे शुड कम और पूरे दिल से इसके साथ हम लोग यहाँ से आशीर्वाद लें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और सबके लिए यहाँ आशीर्वाद देना बहुत ज़रूरी है। जगन्नाथ जी की जय हो। जगन्नाथ जी, आज यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है यहाँ पर महाराजा रेजेंसी में और भगवान जगन्नाथ जी की 22वीं रथ यात्रा जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है उसके कमेटी के प्रधान सतीश गुप्ता जी के नेतृत्व में। और पहली कवरेज आपने हमारे चैनल पर देखी राजन शर्मा जी की कारण हमें बहुत अच्छे तरह से जुड़ने का मौका मिला और आज देख रहे हैं कि आप लुधियाना की समाज सेवा, कल्चर और धर्म से संबंधित बड़ी बड़ी शख्सियतें जो महिला नारी शक्ति हैं आज यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं सभी भक्तजनों से यही निवेदन करूँगा कि आप भी जुड़िए, भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लीजिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। जय जगन्नाथ।
तो आपने देखा कि किस तरह से जोश है लुधियाना के लोगों में रथ यात्रा को लेकर, और निश्चित रूप में अभी विदेशों से बहुत लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी ताकि 23 दिसंबर को लुधियाना में आकर रथ यात्रा में शामिल हो सकें। तो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ताकि रथ यात्रा के सभी अपडेट्स हम आपको दिखाते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लव सिद्धू के साथ सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना। जय जगन्नाथ।